नमस्ते दोस्तों, डेट है आज की 3 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो चार इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंडिया ब्रिटेन रिलेशंस और दूसरे नंबर पे गवर्नेंस की कार्यप्रणाली, गवर्नर की कार्यप्रणाली से संबंधित ये दो हिंदू के हैं। दो और एक्स्ट्रा इश्यूज हम लेंगे, एक तो डेली पायोनियर का लेंगे वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित, और इसके बाद लास्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो है गुड गवर्नेंस से संबंधित। ये जीएस पेपर 2 का एक टॉपिक है, गुड गवर्नेंस से संबंधित टॉपिक जो है हम ब्रीफ में जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया ब्रिटेन रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन की आपस में मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के दौरान यह डिसाइड किया गया था कि 2030 आने से पहले दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है, बायलिटरल ट्रेड, उसे डबल किया जाएगा। 2019 में देखो दोनों देशों के बीच ट्रेड होता था $23 बिलियन, तो इसे डबल करने का लक्ष्य है 2030 आने से पहले। इसी लक्ष्य को अचीव करने के लिए पिछले साल के अंत में दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए नेगोशिएशंस स्टार्ट कर दी हैं। आगे बढ़ने से पहले हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब जान लेते हैं। देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये एक समझौता होता है दो या फिर दो से अधिक देशों के बीच। इस समझौते में डिसाइड किया जाता है कि दोनों देशों के आपस में ट्रेड करते वक्त जो भी रुकावटें आती हैं उन्हें कम किया जाए। रुकावटें देखो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे दो देश ए और बी आपस में ट्रेड करते हैं, टैक्स काफी ज्यादा है, इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा लगती है, तो ये भी एक रुकावट है ज्यादा ट्रेड में। इसके अलावा देखो कोई कोटा है, जैसे बी देश डिसाइड करता है कि हम एक ए देश से सिर्फ 1 टन मछली इंपोर्ट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ये भी एक रुकावट है। बट देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन होता है ना दो देशों के बीच, तो फिर इस प्रकार की रुकावटों को या तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता है, जैसे टैक्स जो बैरियर है, टैक्स टैरिफ लगता है, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता है, या फिर नाम मात्र का टैक्स रह जाता है। यह होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच। तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच अब नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। इसके बाद राइटर कहते हैं दोनों देशों के बीच ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए काफी सारे स्टेप्स भी उठाए गए हैं। जैसे देखो, ब्रिटेन के एप्पल्स, ब्रिटेन के जो सेब हैं वो अब इंडिया में आने लगे हैं, उसी प्रकार से इंडिया से फिशरीज और श्रिम्प यानी झींगे जो होते हैं उनका एक्सपोर्ट ब्रिटेन में होने लगा है। ये स्टेप्स देखो बेशक छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बताते हैं किस प्रकार से दोनों देश सीरियस हैं ट्रेड को इन्हेंस करने के लिए। अब इसके बाद कहा जाता है आर्टिकल में, देखो दोनों देशों के बीच ना काफी सारे डिफरेंसेस हैं, मतलब दोनों देशों की जो पॉपुलेशन का साइज है वो भी अलग अलग है। इंडिया में आपको पता है आज के समय में 135 करोड़ के आसपास लोग हैं, और ब्रिटेन की पॉपुलेशन कितनी है, 7 करोड़ से भी कम। हमारे देश का एक राज्य राजस्थान में जितनी पॉपुलेशन है ना उतनी पॉपुलेशन है ब्रिटेन की, और डेवलपमेंट का जो स्टेज है वो भी अलग अलग है। ब्रिटेन में आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी पहले आ गया था, इंडिया में तो अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी ज्यादा एडवांस लेवल की नहीं है। चूंकि काफी सारे डिफरेंसेस हैं, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करना दोनों देशों के बीच आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बात वही है कि दोनों देश सीरियस हैं ट्रेड को इन्हेंस करने के लिए। आज के समय में देखो 600 से ज्यादा यूके की कंपनीज हैं जो इंडिया में काम करती हैं, और इन 600 यूके की कंपनीज ने 3,20,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार देकर रखा है। कुछ फेमस यूके की कंपनीज की बात करें तो बार्कलेज, ये देखो एक बैंक है, जेसीबी, ये वही जेसीबी है जेसीबी की खुदाई वाली, तो जेसीबी कंपनी जो है ये यूके की है। और एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखो यूनिलीवर कंपनी है मेन ब्रिटेन की है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर तो वो ब्रिटेन की यूनिलीवर कंपनी की एक प्रकार से सब्सिडरी है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी तो आपको पता है कितने ब्रांड्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के, आपको यकीन नहीं होगा, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सर्फ एक्सेल, इस प्रकार के अनेकों ब्रांड्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के। उसी प्रकार से इंडिया की बात करें, इंडिया भी देखो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर है यूके में, स्पेशली फिनटेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज, इन क्षेत्रों में इंडिया की तरफ से काफी इन्वेस्टमेंट हुई है ब्रिटेन में।
अगर देखो प्रोजेक्ट के नंबर की टर्म्स की हम बात करें, मतलब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की टर्म्स में हम बात करें, तो यूके में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आती है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंडिया से ही आती है। पिछले हफ्ते ही एसआर ग्रुप्स और ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया कि वो यूके में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज के समय में देखो यूके की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट है और इंडिया की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड में सिक्स्थ लार्जेस्ट है। तो इतनी बड़ी मेजर इकोनॉमीज के बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो ट्रेड रिलेशंस को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। देखो आज के समय में यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है, 47 ईयर्स तक यूरोपियन यूनियन के साथ अटैच रहा यूनाइटेड किंगडम, बट अब यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद नए ट्रेड पार्टनर्स तलाश कर रहा है यूके। और उसी प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट भी इच्छुक है नई नई ट्रेड डील्स साइन करने के लिए। और ये अपने आप में देखो संयोग नहीं है कि इवन दोनों देश है, इंडिया और यूके भी लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का प्रयास कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया भी बात कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए और यूके भी बात कर रहा है। तो जब दोनों देश सेम कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बात कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं, तो दोनों देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन कर लेते जल्दी से? और इसी दिशा में नेगोशिएशंस अब स्टार्ट हो गई हैं। इंडिया के पास देखो अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। जैसा कि आपको पता है हम हमेशा बात करते रहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी इंडिया के पक्ष में है। इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन ये विंडो हमेशा इंडिया के लिए ओपन नहीं रहेगी। आपको भी पता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो लेटेस्ट डेटा आया उसके अनुसार अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गई है। तो आने वाले 30 सालों में इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का। इंडिया की पोजिशन भी काफी अच्छी है इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पर देखो पूरे वर्ल्ड की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, आधे से ज्यादा ट्रेड यहीं पर होता है और इस रीजन के बिल्कुल कोर में है, हार्ट में है इंडिया, मतलब एकदम भी बीचों बीच नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया की जो पोजीशन है इंडो पैसिफिक रीजन में काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। अगर देखो दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो 2035 आते आते दोनों देशों की जीडीपी में 14.8 बिलियन पाउंड जो है वो एड हो जाएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने का फायदा यह भी होगा, सप्लाई चेन्स दोनों देशों की काफी ज्यादा डाइवर्स हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल इंडिया को अभी सस्ता रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, इंडिया अभी महंगा इंपोर्ट करता है, लेकिन यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद वही रॉ मटेरियल इंडिया यूके से सस्ता इंपोर्ट कर पाएगा। और बात सिर्फ रॉ मटेरियल की नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट्स देखिए आप, फाइनल प्रोडक्ट्स अगर इंडिया कहीं और से या फिर यूके कहीं और से इंपोर्ट करता है लेकिन दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा तो वहां के कंज्यूमर्स को सस्ते प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यह फायदा होगा। दोनों देशों की एमएसएमईज को, यानी माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को एक अच्छी मार्केट मिलेगी। इसके बाद राइटर कहते हैं चलो देखो बात सिर्फ दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस की नहीं है, रिलेशंस को इसलिए भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है, इसके काफी सारे जियो स्ट्रेटेजिक फायदे भी होंगे। आज के समय में देखो आपको पता है यूएसए और चाइना के बीच में कंपटीशन चल रहा है सुपर पावर बनने के लिए, तो इसलिए वर्ल्ड जो है वो और ज्यादा कैओटिक हो रहा है, डिसऑर्डर फैल रहा है वर्ल्ड में। तो यूके और इंडिया जैसे देश अगर मिलकर काम करते हैं ना तो मिलकर स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं वर्ल्ड में। दोनों लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, दोनों देशों में डेमोक्रेसी है। लास्ट में कंक्लूजन में यह कहा जाता है राइटर के द्वारा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो देखो एक शुरुआत है दोनों देशों के रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए, आगे स्कोप काफी ज्यादा है। इंडिया अपनी आजादी का 75वें वर्ष में एंटर कर चुका है, लेकिन पुराना जो इतिहास रहा है वो इस प्रकार से रहा है कि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, लेकिन अब हमें उस इतिहास को भूलने की आवश्यकता है, उन जख्मों को हमें भूलने की आवश्यकता है, एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे रिलेशंस इस्टैब्लिश हों इंडिया और यूके के बीच जिससे दोनों देशों को फायदा हो, दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और यूके रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे। देखो अगला जो आर्टिकल है वो गवर्नर से संबंधित है, आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो गवर्नर से संबंधित आर्टिकल हमने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था, कुछ जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है ना वहां पे गवर्नर का काफी ज्यादा टकराव देखने को मिल रहा है सरकार के साथ में। जैसे वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लीजिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप ये है
कि वहां के गवर्नर जगदीप धनखड़ उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ट्विटर पर, इसलिए ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने गवर्नर को ब्लॉक कर दिया ट्विटर पर। मतलब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हैं गवर्नर, उनके बीच में और उस राज्य की मुख्यमंत्री के बीच में इतना टकराव, इतने निचले लेवल की पावर डायनामिक्स पहले कभी नहीं देखने को मिली है। आरोप यह लगाया जाता है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा कि गवर्नर जो है वो डे टू डे बेसिस पर डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी इनको समन करते रहते हैं। ये देखो वैसे एक फॉर्मेलिटी होती है, मतलब संविधान में लिखा गया है कि वो समन कर सकते हैं, इवन मुख्यमंत्री को भी समन कर सकते हैं, बट ये एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन डेली बेसिस पे गवर्नर के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इवन पश्चिम बंगाल के गवर्नर धनखड़ ने हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021 को विधेयक कर लिया, इस वजह से हावड़ा में सिविक बॉडी के इलेक्शंस नहीं हो उसके। जबकि दूसरी तरफ देखो, पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है धनखड़, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वेलफेयर स्कीम्स में काफी धांधलेबाजी हुई है। लेकिन सरकार का ये कहना है, देखो धांधलेबाजी के जो आरोप हैं वो सेम है जो अपोजिशन पार्टी बीजेपी के द्वारा पश्चिम बंगाल में लगाए जाते हैं। तो धनखड़ जो गवर्नर है उनको ये शोभा नहीं देता कि वो अपोजिशन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, अपोजिशन के जो पॉइंट्स हैं, उनको मान ले वैसे कि वैसे। ये तो देखो सिर्फ हमने पश्चिम बंगाल की बात की, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। भगत सिंह कोश्यारी ये अभी गवर्नर हैं, वहां पर देखो महाराष्ट्र की असेंबली में ना स्पीकर की पोस्ट खाली हो गई थी, तो महाराष्ट्र के असेंबली ने रूल्स को चेंज किया कि स्पीकर को इलेक्ट करने के लिए जो सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल होता है उसके बजाय वॉइस वोट का इस्तेमाल हो। लेकिन ये गवर्नर को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने देखो कहा स्टेट असेंबली अपने आप से इस प्रकार के रूल्स नहीं बना सकती, तो उन्होंने स्पीकर के इलेक्शन को की प्रोसेस को रोक दिया काफी समय तक। इस पर जो रूलिंग पार्टी है वो चिढ़ गई, वहां पर भी गवर्नर के बीच और सरकार के बीच काफी ज्यादा टकराव देखने को मिला। इवन इससे भी ज्यादा, भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, वो देखो वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी पर महाराष्ट्र की असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहते थे। इवन अपोजिशन पार्टी बीजेपी की भी यही डिमांड थी। तो मतलब ऐसा दिखा, ऐसा लगा जैसे गवर्नर जो हैं वो अपोजिशन पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव काउंसिल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन गवर्नर ने उस रिकमेंडेशन को मानने से इंकार कर दिया तब तक जब मामला जो है वो हाईकोर्ट तक नहीं पहुंचा। इसके बाद तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया जाता है, तमिलनाडु में जो गवर्नर है आर एन रवि, इन्होंने देखो तमिलनाडु असेंबली ने जो एक बिल पास किया था ना, एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कॉलेज बिल, इस बिल को रोक के रखा है काफी समय से, सितंबर 2021 में यह बिल पास हुआ था। देखो राइटर कहते हैं ये जो बिल है ना वो प्रोविजन करता है कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो नीट के थ्रू ना हो, ये काफी सीरियस इशू है इतना श्योर है। बट देखो गवर्नर का काम ये होता है, अगर वो उनको लगता है कोई बिल जो है वो संविधान के अगेंस्ट है तो या तो वो बिल प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास रेफर कर सकते हैं, या फिर से असेंबली को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन इतने समय से उन्होंने बिल अपने पास रखा है और नीट को लेके वैसे ही गुस्सा है तमिलनाडु में काफी ज्यादा, तो इस वजह से सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब हो रही है गवर्नर और सरकार के बीच तमिलनाडु में। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो गवर्नर और सरकार के बीच टकराव इसलिए काफी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि गवर्नर जो है पिछले कुछ समय में अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर काम कर रहे हैं, और ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि गवर्नर जो है सेंटर में जिस पार्टी की सरकार है ना उस पार्टी के इशारे पर काम करते हैं, इस वजह से दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। बात देखो ये एनडीए गवर्नमेंट की नहीं है, इवन यूपीए सरकार के दौरान भी ऐसा ही होता था, मतलब काफी सालों से ये चल रहा है। चूंकि गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस पार्टी की सरकार होती है ना आमतौर पर उसी पार्टी के लीडर को अपॉइंट कर दिया जाता है गवर्नर के तौर पर। अब देखो बीजेपी का कोई लीडर है, उनको अगर गवर्नर बनाया गया है तो जाहिर तौर पर वो अपने आप को बीजेपी की आइडियोलॉजी से अलग नहीं रख सकेंगे। अगर यूपीए की सरकार के द्वारा किसको गवर्नर बनाया गया है तो जाहिर तौर पर वो यूपीए की आइडियोलॉजी को अपने खुद से अलग नहीं रख सकेंगे। तो इसीलिए तो
काफी कमिटीज ने रिकमेंडेशन दी हैं कि गवर्नर ऐसे पर्सन को बनाया जाए जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से संबंध ना रखता हो, लेकिन देखो इस बात को माना नहीं जाता। अब बीजेपी में जैसे अभी एक रूल है, अभी एक कन्वेंशन है कि 75 इयर्स एज अगर किसी लीडर की हो जाती है तो फिर उसे एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रखा जाता। जैसे देखो कलराज मिश्र हैं, आनंदीबेन पटेल हैं, तो उनको गवर्नर बना दिया जाता है। अब जिस लीडर ने देखो पूरी जिंदगी बीजेपी की तरफ से पॉलिटिक्स की है, तो वो गवर्नर की पोस्ट पर रह के कैसे वो निष्पक्ष होकर काम कर सकते हैं? वो बीजेपी का ही साथ देंगे उस स्टेट में जाके। बात देखो यहां पे सिर्फ बीजेपी की नहीं है, इवन यूपीए में भी। अब कांग्रेस की लीडर थी शीला दीक्षित, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, उनको गवर्नर बनाया गया था। तो वो लीडर्स जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस की राजनीति की है, वो कैसे किसी राज्य का गवर्नर बनके निष्पक्ष होकर काम कर सकते हैं? जाहिर तौर पर वो कांग्रेस का साथ देंगे, समझ रहे हो? तो इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है गवर्नर पर और भी आरोप लगते हैं, जैसे आर्टिकल 356 के तहत उनको जो पावर मिलती है कि अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो उस वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाने की जो रिकमेंडेशंस हैं वो गवर्नर दे सकते हैं। बट देखो गवर्नर यहां पर भी ठीक से काम नहीं करते, मतलब ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं करते, फैक्ट्स के साथ एविडेंस के साथ। वो जिस पार्टी से संबंध रखते हैं बहुत बार उसी पार्टी का साथ देते हैं और अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से करते हैं। मतलब उन्हें मन किया कि हाँ ये सरकार हटनी चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, तो वो रिकमेंडेशन दे देते हैं प्रेसिडेंट रूल का। नेक्स्ट, गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि जब इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जिस पार्टी की या फिर जिस अलायंस की सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं उसी को इन्वाइट करना होता है, उसी के लीडर को इन्वाइट करना होता है। बट यहां पर भी गवर्नर काफी बार अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। पुंछी कमीशन ने 2010 में यह रिकमेंडेशन किया था कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होनी चाहिए गवर्नर को इंपीच करने की, और गवर्नर की अपॉइंटमेंट के दौरान स्टेट चीफ मिनिस्टर का भी रोल होना चाहिए। आर्टिकल 356 से संबंधित पुंछी कमीशन ने यह रिकमेंडेशन दी थी कि आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 को अमेंड कर दिया जाए। सरकारिया कमीशन ने 1988 में यह रिकमेंड किया था आर्टिकल 356 को जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है किसी राज्य में, इस प्रोविजन को तो रेयरली यूज किया जाए। पहले देखो ये प्रोविजन काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था, अब तो नहीं होता। अब तो हम भी काफी कम देखते हैं किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया हो गया हो वहां की सरकार को डिसमिस करके, लेकिन देखो पहले ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था। 1968 में जो ARC यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था, उन्होंने भी इसी प्रकार की रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा राजा मन्नार कमेटी 1971 में और जस्टिस वी चेलिया कमीशन 2002 में ये आया था, इन्होंने भी गवर्नर की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए काफी सारी रिकमेंडेशंस दी हैं। अब इसके बाद बारी आती है SR बोमई जजमेंट आई थी 1994 में। इस जजमेंट में कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके वहां पर आर्बिट्ररी ढंग से प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता, मतलब ये असेंबली के फ्लोर पे डिसाइड होगा कि गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी है या फिर नहीं है। ये गवर्नर की सब्जेक्टिव ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करता, ये असेंबली डिसाइड करेगी कि कौन सी पार्टी के पास मेजोरिटी है कौन सी के पास नहीं है। इसके अलावा देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की अपनी नाबम रेबिया जजमेंट में भी ये कहा था आर्टिकल 163 के तहत गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है ना वो लिमिटेड है, मतलब उनको ये पावर यूज करनी होगी ऑब्जेक्टिविटी के साथ, ना कि आर्बिट्ररी ढंग से या फिर अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से वो अपनी इस पावर्स का इस्तेमाल करें। और भी लास्ट में पॉइंट्स बोले जाते हैं, जैसे देखो गवर्नर की जो डिस्क्रिशन है, मतलब वो फैसले जो गवर्नर को अपने आप से लेने होते हैं बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से, उन मामलों में गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करें जुडिशियसली, ऑब्जेक्टिविटी के साथ यानी फैक्ट्स के आधार पर, और इम्पार्शियली यानी बिना पार्शियल हुए। देखो गवर्नर की पोस्ट को मजबूत बनाने के लिए हमें फेडरलिज्म को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल और राज्यसभा का जो रोल है वो अहम हो सकता है। जैसे राइटर एग्जाम्पल देते हैं कि अभी तो देखो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कौन से राज्य का गवर्नर कौन होगा, बट ऐसा हो सकता है कि जिस राज्य में गवर्नर अपॉइंट करना है उस राज्य का जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक पैनल बनाए, पैनल
कुछ नामों की लिस्ट तैयार करे और उन नामों की लिस्ट में से एक नाम चूज किया जाए इंटरस्टेट काउंसिल के द्वारा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसा कोई सेटअप इस्टेब्लिश किया जा सकता है। बट देखो, ये सजेशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए कभी नहीं राजी होगी। अगर इन चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश के हित में सोचना होगा, तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गवर्नर की फंक्शनिंग से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एसबीआई ने देखो हाल ही में एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया जो काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। एसबीआई का नया रूल है क्या, वो महिलाएं जो 3 महीने से अधिक समय से प्रेग्नेंट हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए टेम्परेरीली अनफिट हैं। रूल में यह भी कहा गया कि वो महिलाएं अपनी डिलीवरी के 4 महीने बाद बैंक को ज्वाइन कर सकती हैं। रीजन देखो साफ तौर पर यह हो सकता है कि बैंक नहीं चाहता कि महिलाएं, मतलब वो महिलाएं जो 3 महीने से अधिक समय से प्रेग्नेंट हैं, वो बैंक को ज्वाइन करने के तुरंत बाद छुट्टी पर चली जाएं। इसलिए बैंक ये रूल लेकर आया। बैंक ने यह तो नहीं कहा कि हम मैटरनिटी लीव की जो कॉस्ट है वो बचाना चाहते थे। बट देखो जो भी हो, ये जो बैंक का रूल था ना, ये काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी, काफी ज्यादा प्रिजुडिशियल है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन करता है मैन और वुमेन के बीच में। क्योंकि देखो, बच्चे को जन्म देना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इस इशू के आधार पर किसी से डिस्क्रिमिनेट करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये महिलाओं को उस कंडीशन में लेके आता है कि आपको चूज करना है, या तो आप बच्चे को जन्म दो या फिर आप बैंक को ज्वाइन करो। बाद में तो देखो एसबीआई ने अपने इस ऑर्डर को वापस ले लिया, लेकिन अभी भी रूल जो ये सर्कुलर है जिसमें ये नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। एसबीआई 2009 से ये रूल लाना चाहता था, लेकिन अब जाके लेके आया, और अब लेके आया तो उसके बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। देखो अगर सरकारी डिपार्टमेंट में या फिर पीएसयूज में ही ऐसा होगा, तो फिर प्राइवेट क्षेत्र में तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता होगा। हमारे देश में इंडियन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये दोनों जो कानून हैं, ये महिलाओं के जो राइट्स हैं प्रेगनेंसी से संबंधित या फिर प्राइवेसी से संबंधित, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एसबीआई का जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट सभी एम्प्लॉयर्स को एनकरेज करना चाहिए कि आप महिलाओं के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। एम्प्लॉयमेंट के मामले में इक्वल ट्रीट कीजिए दोनों को, मैन को और वुमेन को। इनफैक्ट देखो, कोई भी कानून ये फोर्स नहीं कर सकता महिलाओं को कि आप अपना प्रेगनेंसी स्टेटस बताइए, ये गलत है। हाँ, कुछ जॉब्स देखो ऐसी हो सकती हैं जिनमें इंटेंस फिजिकल और स्ट्रेसफुल वर्क करने की आवश्यकता होती है, तो उन जॉब्स में बेशक प्रेगनेंसी का स्टेटस पूछा जा सकता है, क्योंकि उस सिचुएशन में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन बैंक में काम करना वो जॉब जाहिर तौर पर नहीं है कि महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी का स्टेटस पूछा जाए। इवन देखो, अगर बाद में पता लगता है, जॉब ज्वाइन करने के बाद में पता लगता है कि एम्प्लॉई जो महिला है वो प्रेग्नेंट है, तब भी उनको जॉब से निकाला नहीं जा सकता एम्प्लॉयर के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्यवश देखो, बहुत से एम्प्लॉयर ऐसी महिलाओं को काम देने से मना कर देते हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं। उनको लगता है कि मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा उस महिला को, इस वजह से इवन एक रीजन होता, इस रीजन के कारण महिलाओं को कम रोजगार दिया जाता है। एम्प्लॉयर को ये लगता है कि वुमन जो है वो छुट्टी पर चली जाएंगी और बाद में उनको या तो मैटरनिटी बेनिफिट भी देने पड़ेंगे और प्रोडक्टिविटी जो है वो काम की कम हो जाएगी। लेकिन देखो, वही बात जो मैंने शुरुआत में बोला, ये देखो एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल सिस्टम में तो आप खिलवाड़ नहीं कर सकते ना, लेकिन उसके आधार पर महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना ये गलत है। आपने देखा होगा, इवन आप में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो शादी के बाद, इवन बच्चे को जन्म देने के बाद तैयारी करती हैं, इवन कई तो स्टार्ट करती हैं। सोच के देखिए, ऐसी सिचुएशन में तैयारी करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अनु कुमारी का एग्जाम्पल तो आपको पता है, लेकिन अनु कुमारी को तो देखो सक्सेस मिली और वो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अनु कुमारी से भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में तैयारी की और अभी भी कर रही हैं। मतलब वी शुड सैल्यूट ऑल दिस काइंड ऑफ
वुमेन कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रही हैं शादी के बाद भी और बच्चे के जन्म के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इन लास में के साथ में, डिफरेंसेस होते हैं तैयारी को लेके और बच्चे का भी ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में फिर तैयारी को भी टाइम देना, मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होना पड़ता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब लास्ट में गवर्नेंस संबंधित जो हमें डिस्कस करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और इस टॉपिक को यानी गवर्नेंस वाले टॉपिक को आप जीएस पेपर सेकंड से रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर सेकंड में जो गवर्नेंस है ना सब्जेक्ट, वहां से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। अगर यूपीएससी पूछ ले गुड गवर्नेंस के कोर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये देखो गुड गवर्नेंस के कोर करेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में। जैसे वेबसाइट है MyGOV.NIC.IN, जो भी वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर आप अपने आइडियाज प्रस्तुत कर सकते हो, यहाँ पर सरकार आपसे कमेंट लेती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंसेंसस ओरिएंटेड। कोई भी देखो कानून बने, पॉलिसी बने, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अगर कंसेंसस से बने तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छे से गुड गवर्नेंस इंश्योर होगी। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नेंस में। RTI आया इसके लिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पर सवाल उठते रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, यानी जवाबदेही। सरकार कहती है 2022 तक हम किसानों की इनकम को डबल करेंगे, लेकिन अगर डबल इनकम नहीं हुई तो जवाबदेही तैयार होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए सरकार से कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस, आपकी देखो सरकार से पाला पड़े तो सरकार आपके जवाब दे जो भी आपको काम पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सरकारी दफ्तर में जाओ तो आपको ऐसे सब्जेक्ट ट्रीट किया जाए, अरे भाग जाए यहाँ से। ऐसा मतलब बहुत सारे ऑफिस में होता है, अब तो सिचुएशन देखो चेंज हो गई है जब से मोबाइल फोन्स आए हैं, लोग वीडियो बना लेते हैं और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। पहले तो सिचुएशन और भी खराब थी, और सोचिए आज़ादी से पहले जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो सिटीजन्स को तो कुछ माना ही नहीं जाता था। नेक्स्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नेंस होनी चाहिए, और सबसे लास्ट में इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, जो सभी सेक्शंस को साथ लेके चले, खास करके डिसएडवांटेज सेक्शंस जो सोसाइटी में हैं। ये सब हैं कोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। फीचर्स क्या हैं गुड गवर्नेंस के, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का जो स्टाफ है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें, गुड बिजनेस इन्वायरमेंट होना चाहिए, बिजनेस करना आसान होना चाहिए, इनइक्वालिटीज को कम करना, आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था इनइक्वालिटीज को कम करने से संबंधित, ये सरकार की ड्यूटी भी बनती है DPSP के तहत। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ऐसा नहीं जो सरकार के खिलाफ बोले उसको आप लाठी डंडे मारो, नहीं। नेक्स्ट सिटीजन्स को कंसेशंस मिले राइट्स के मामलों में, हर मामले में। बिजनेस इन्वायरमेंट का तो पॉइंट ऊपर भी आ गया। सबसे लास्ट में सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो हैं वो सरकार प्रोवाइड करे, जैसे अच्छा लैंड ऑर्डर, अच्छी एजुकेशन व्यवस्था, अच्छी हेल्थ व्यवस्था। इसके बाद नेक्स्ट बैरियर क्या है गुड गवर्नेंस, मतलब गुड गवर्नेंस इंश्योर करने में क्या बाधाएं आती हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये बड़ी दिक्कत है। ये देखो हमने एयर इंडिया के एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था, एयर इंडिया देखो फेल हो गई, इतना घाटा एयर इंडिया सहन कर रही थी, क्या किसी ब्यूरोक्रेट से, क्या किसी पॉलिटिकल लीडर से क्वेश्चन पूछा गया कि भैया एयर इंडिया के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है आप बताइए। नहीं, किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, कब होगी, होती नहीं है अकाउंटेबिलिटी सरकार में किसी की फिक्स, बहुत कम, रेयरली होती है। रेड टेपिज्म, कई बार किसी चीज का लाइसेंस आप लेने जाते हो, आपके फॉर्म में छोटी से छोटी गलती निकाल दी जाती है और बोल देते हैं नहीं फिर से आओ। देखो रूल्स जरूरी है, इस बात से तो आप भी सहमत हो, बिना रूल के तो कुछ चल ही नहीं सकता, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन रूल ही एंड बन जाए, मतलब यहाँ पे कटिंग होगी थोड़ी सी। कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे भी करते हैं, एप्लीकेशन पेपर में थोड़ी सी कटिंग हो गई या फिर साइड में ऐसा कुछ निशान लग गया, नहीं ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, क्यों, यही तो रेड टेपिज्म है। मतलब रिश्वत के चक्कर में बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ऐसे करते हैं कि हाँ सीधा सीधा अगर हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो हमारी रिश्वत नहीं बनेगी, तो उसके लिए ऐसा करते हैं बहुत से ऑफिसर्स। इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होता है लॉज एंड रूल्स का, ये भी एक बैरियर है, लोगों को अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में जानकारी नहीं है, पुराने जो कानून हैं ब्रिटिश ईरा के वो चले आ रहे हैं, जैसे सिडिशन का कानून है। आज भी देखो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं पूरी तरह से डिजिटलाइज नहीं हुए हैं, हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पर डिजिटलाइजेशन बाकी है, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स पूरी तरह से अभी डिजिटलाइज नहीं हुए हैं। सोचो देखो बैंक में पहले कितनी दिक्कत आती थी, आज तो आप प्राइवेट बैंक की बात कीजिए, किसी भी ब्रांच में जाके आप अपना फोन नंबर चेंज करवा सकते हो, ट्रांजैक्शंस जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो ऑनलाइन भी निकल जाती हैं, लेकिन पहले बैंकों का सारा काम रजिस्टर में होता था, कितना मुश्किल होता होगा उस समय। नेक्स्ट है चेंज इन माइंडसेट,
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना उनका माइंडसेट भी चेंज करने की आवश्यकता है। वो अपने आप को मालिक ना समझें, वो उनको नियुक्त किया गया है, उनकी अपॉइंटमेंट हुई है जनता को सर्व करने के लिए, ना कि जनता का मालिक बनने के लिए। तो उनके अंदर ऐसी वैल्यूज इनकलकेट की जाएं कि वो ट्रांसपेरेंसी लेके आए अपनी गवर्नेंस में और सिटीजन्स के प्रति रिस्पॉन्सिव हों। इसके बाद नेक्स्ट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस में भी देखो रिफॉर्म नहीं आया है, जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस इंश्योर नहीं हो पाती। जैसे जुडिशरी में कितने केसेस पेंडिंग हैं आप देख लीजिए, जुडिशरी होगा, ब्यूरोक्रेसी होगा, ये अनरिफॉर्म्ड हैं। सालों साल से जो ढांचा चला आ रहा है ना वही चला आ रहा है। हमारे देश में ना रिफॉर्म लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर सही इंटेंशन से भी सरकार रिफॉर्म लेके आए ना उसका भी विरोध हो जाता है। हालांकि सरकार की भी गलतियां रहती हैं, वो कंसेंसस नहीं डेवलप करती। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशंस बहुत से ऐसे हैं जो बायस्ड होकर काम करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन पे काफी आरोप लगते हैं कि वो रूलिंग पार्टी का साथ देती है काफी बार। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हमारे देश में जो आने चाहिए फंडिंग से संबंधित या फिर दूसरे इश्यूज से संबंधित, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं आ पाए हैं। लोकल जो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनके पास भी इतनी पावर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस लाने के लिए नेसेसरी प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए? अच्छा लीगल सिस्टम हो, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं वो साउंड एंड एफिशिएंट होने चाहिए, मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम करें रूल्स के हिसाब से, चार्टर के हिसाब से, ना कि बायस्ड होके। पॉलिसीज जो हैं वो भी इफेक्टिव एंड कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। नॉर्मल से पॉइंट हैं, सिंपल सिंपल, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स आप जनरली भी लिख सकते हो अगर हम ना भी डिस्कस करें। आपको भी पता है डिसेंट्रलाइजेशन आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस, ये पॉइंट हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं। तो ये तो नॉर्मल पॉइंट्स हैं। ये कुछ स्टेप्स जो सरकार ने लिए हैं गुड गवर्नेंस लाने के लिए, या तो अभी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, कुछ कुछ हुए भी हैं, जैसे पब्लिक सर्विस बिल, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, ई भूमि, ई चुपाल, ई प्रोक्योरमेंट, सेंट्रल पब्लिक ग्रेवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इनका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। कुछ दूसरे स्टेप्स जो लिए गए हैं गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आता है, पता लग जाता है कहाँ पे बिजनेस करना कितना आसान है। ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हो। प्रोएक्टिव गवर्नेंस प्रगति जो पोर्टल है, जिसकी सहायता से प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में बैठ के बात करते रहते हैं ऑफिसर से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करते रहते हैं, इनका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। गुड गवर्नेंस कैसे इंश्योर की जाए, सेम पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करके, ओपननेस इंश्योर करके, आरटीआई के यूज को एंकरेज करके, रिस्पॉन्सिव बन के, सिटीजन चार्टर को प्रमोट करके, सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। लास्ट में मेजर इनिशिएटिव्स टू प्रमोट गुड गवर्नेंस, आरटीआई आया, ग्रेट रिस्पॉन्सिवनेस, ओपननेस को प्रमोट किया गया है, ई गवर्नेंस आई है काफ़ी सारे क्षेत्रों में। तो देखो जैसे मैंने कहा, शुरू शुरू में अच्छे पॉइंट्स थे, बाद में तो पॉइंट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने चार इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।